गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहे हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके हमें इनवर्स निकालना ए मैट्रिक्स। तो इस वाले मेथड में ए इज इक्वल टू आई ए हम लगाते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए का मतलब जो मैट्रिक्स हमें दे रखी, आई का मीनिंग्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए फिर मैट्रिक्स। अगर ए किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वही मैट्रिक्स आती है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, ए हमने यहाँ लिखा और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिखी और ए मैट्रिक्स यहाँ पर एज इट इज। तो इसमें हम पहला ऑपरेशन लगाओगे, मैं इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग कर रहा तो पूरे क्वेश्चन में रो की लगेगी ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम के नहीं लगेगी। जब कॉलम के प्रयोग करेंगे तो कॉलम के लगेंगे। तो R1 चेंज 4R1 माइनस R2। तो इसका मतलब है पहले वाली जो रो है फर्स्ट रो, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करके उसमें से हम सेकंड रो को माइनस करेंगे। ये मैंने करके ये वाला ऑपरेशन करके दिखा रखा है रफ पारी में। आप इधर देखेंगे R1 चेंज 4R1 माइनस R2। अब हम ये देखेंगे कि R1 कितनी है, R1 है हमारी 2, 1। तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू द 8 और 1 द 4, ये आ गई 8। फिर जब इधर की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0, ये आ गई 4 0। इसके बाद में हमें घटाना है R2, तो R2 की जैसी है वैसी रहेगी 7 4 0 1, लिखा 7 4 0 1। इसको माइनस करा 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो ये आ गया 1 0 4 माइनस 1, R1 में चेंज हो जाएंगे 12, तो ये आ गया 1 0 4 माइनस 1, 1 0 4 माइनस 1, ये आ गया ऑपरेशन नंबर 1 में। अब सेकंड वाले में ऑपरेशन लगाऊंगे R2 माइनस 7 R1, R2 चेंज, तो R2 में चेंज होगा केवल, R1 तो एज इट इज रहेगी, R1 का तो बिल्कुल नहीं दिया हमने। अब हम R2 भी चेंज कर रहे हैं, रफ पारी में जाएंगे, R2 चेंज R2 माइनस 7 R1, R2 लिख दिया हमने, R2 हमारी है 7 4 0 1, 7 4 इस साइड की और 0 1 उस साइड की, दोनों तरफ की R2 लिख दिया हमने। उसमें से हम 7 R1 घटाओगे, जो हमारी R1 है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 0 आएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 - 7 आएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई, फिर हमने घटा दिया, ये आ गया 0 4 - 28 और 8, ये लिख दिया हमने। फिर हमने ध्यान रखना है 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जब 1 लाना है 1 कैसे आएगा, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो R2 अपॉन 4, हमने 4 से डिवाइड कर दिया सेकंड रो को, पहली रो जो बिंदु है 1 0 4 - 1, इसको 4 से डिवाइड करा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, 28 अपॉन 4 8 अपॉन 4, ये आ गया। तो यहां पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी, तो ए इनवर्स इनटू ए, ए हमारे पास है, इसको कंपेयर करके ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी ये। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए इनवर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।